ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, सबसे आधुनिक, सबसे ज्यादा दर्शकों को जगह देने वाला, और इस सबसे बड़े स्टेडियम में सबसे बड़ा कार्यक्रम 24 फरवरी को होगा। और इस सबसे बड़े कार्यक्रम में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इनके स्वागत के लिए अहमदाबाद अपनी परंपरा और सभ्यता के साथ तैयार खड़ा है। हम सबसे ऊपर की साइड पे बैठे हुए हैं, अपर पैवेलियन है ये, और यहीं से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नमस्ते ट्रंप का जो कार्यक्रम होना है उसकी तैयारियाँ खत्म हो चुकी है। पूरे स्टेडियम में कुछ इस तरीके से बैनर्स लगाए गए हैं नमस्ते ट्रंप के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ साथ अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी तस्वीरें यहाँ पे स्टेडियम में लगाई गई है। साथ ही ऑडियो चेकिंग यहाँ पे चल रहा है। इस शहर में हवाई अड्डे से लेकर साबरमती आश्रम और साबरमती आश्रम से मोटेरा स्टेडियम तक रंगों की अलग अलग छाप दिखाई पड़ रही है। जिस वक्त 24 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप के साथ रोड शो पर निकलेंगे, तब सड़क किनारे विशेष डांस और रंगारंग कार्यक्रम का भी वो लुत्फ उठाएंगे। इसके लिए 100 से ज्यादा बच्चे परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहे हैं। ये बच्चे गाएंगे वंदे मातरम। ये बच्चे गाएंगे मस्ती की पाठशाला। हम हमारी संस्कृति का, हम विनय, दया, दान, प्रामाणिकता जैसे गुण वहाँ पे देंगे, और वहाँ का टेक्नोलॉजी हमको बहुत फायदेमंद होगा। जब भारत विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम इसके साथ होना बहुत जरूरी है। हमारी रिलेशनशिप अमेरिका के साथ बहुत ही अच्छे हो। हम अपनी संस्कृति और राष्ट्र का प्रदर्शन करेंगे और इससे जो रिलेशन है और पक्की हो जाए, हम ऐसा चाहते हैं। कहीं बच्चे रंगारंग कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं मंझे हुए कलाकार अपनी कला का हुनर दिखाएंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले सोमवार को ये जान जाएंगे कि कैसे हिंदुस्तान अपनी 5000 साल की पुरानी सभ्यता और परंपरा को बचा कर रखे हुए है। कलाकारों की कला इसकी गवाही देंगी। काफी सारे समय से इसकी तैयारी कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप जी सात समंदर पार हिंदुस्तान की धरती पर आ रहे हैं, उसको हमें बहुत गर्व है और हम लागणी का अनुभव महसूस कर रहे हैं। देखिए क्रिकेट में कैसे पार्टनरशिप होती है, जैसे शिखर धवन और रोहित शर्मा की, इसी तरह अगर नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में पार्टनरशिप हो, हम अपनी संस्कृति का आदान प्रदान करें और वो अपनी टेक्नोलॉजी का, तो हम दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। सोमवार को जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एयरफोर्स वन अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचेगा, तब वहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। फिर वहां गार्ड ऑफ ऑनर के बाद जिस सड़क पर दोनों दिग्गजों का काफिला निकलेगा, उसकी रंगाई पुताई और साफ सफाई का काम अब खत्म होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के दौरान अगर आप अहमदाबाद आएंगे तो आपको स्वच्छता का एक अलग संदेश दिखेगा और महसूस भी होगा, क्योंकि बहुत साफ सुथरा शहर नजर आएगा। और पीछे आप देख रहे हैं कि किस तरह से बहुत ही सुंदर दीवारों पर पेंटिंग बनाई गई है जो स्वच्छता का संदेश दे रही है, चाहे वो ग्रीन मिशन हो, गो ग्रीन हो, स्वच्छ भारत अभियान हो। अहमदाबाद में अपने कार्यक्रम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ही उत्साहित नहीं है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा उत्साहित गुजरात के लोग हैं। उनमें वो गुजराती भी शामिल हैं जो अमेरिका में रहते हैं। लॉस एंजलिस में गुजराती परिवार से हमारी संवाददाता वैष्णवी वासुदेवन ने बात की। प्रेसिडेंट ट्रंप को वेलकम करने के लिए अहमदाबाद और पूरे गुजरात और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग एक्साइटेड हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम जो हमारे होम टाउन में बना है, तो इसकी वजह से पूरे दुनिया के लोग वहाँ आएंगे। और जो घर पे जो हमारे यहाँ कोई गेस्ट आ रहे हैं और जिसे हम खुशी होती है, ऐसे भी ज्यादा खुशी हो रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी इन दिनों दिन रात इसी कार्यक्रम को अंजाम तक पहुँचाने की तैयारी में लगे हुए हैं। आखिर दुनिया के दो बड़े नेताओं का ऐसा भव्य रोड शो होने वाला है जिस पर सारी दुनिया की नजरें टिकी हैं।